राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र से ही। दर्शक साथियों, आज है हरियाली तीज, और हरियाली तीज का अवसर श्रावण मास के महीने में, जो श्रावण का महीना बोला जा हरियाणवी भाषा में, उसका विशेष महत्व होता है। दर्शक साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर हरियाली तीज को बड़ी खुशहाली के साथ मनाया जाता है। सावन के महीने में अच्छी बरसात होती है, लेकिन हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं दर्शक साथियों कि इलाके के अंदर भारी सूखे का सामना जो है ना इलाके को करना पड़ रहा है, और लोग मायूस हैं। अब आप देखते होंगे पिछले समय में आप लगातार जो पीछे के त्यौहार होते थे उनमें जो तीज का त्यौहार होता था उसको बड़ा अच्छे तरीके से मनाया जाता था, और जो वृक्षों के ऊपर जो झूल डाली जाती थी, झूले डाले जाते थे, झूला जाता था। आज ना पेड़ है, ना वो झूल है, और ना वो झूलने वालियाँ हैं। बड़े खुशी खुशी ये त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन समय की मार, लगातार प्रभु की मर्जी कि बारिश का ना होना, और दर्शक साथियों एक अहम रोल इसके अंदर पेड़ों का ना होना, जो लगातार पेड़ों की घटती संख्या, बार बार सचेत करने के बावजूद पेड़ ना लगा पाना, ये दुर्भाग्य, ये समय की मांग है कि हर आदमी को एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पेड़ अपने बच्चे के नाम लगाना जरूरी है। एक एक पेड़ लगाते पिछले 5-10 साल में तो वृक्ष तैयार हो जाते और अच्छी टहनियाँ होती, और टहनियों के ऊपर वो झूल गली होती जिनका इंतज़ार ये श्रावण मास, ये सावन का महीना करता है, और बड़ी अच्छे तरीके से झूल झूली जाती हैं। सावन के महीने में भाई अपनी बहनों के लिए जो मीठी, जो कोथली जिसको हरियाणवी भाषा में बोलती हैं, वो त्यौहार पे अपनी बहन के घर लेके जाता है, एक शुभ संदेश लेके जाता है मीठे के रूप में, कि बहन भाई का प्यार भी लगातार जुड़ा रहे। और श्रावण मास का एक विशेष महत्व है दर्शक साथियों, आपको पता होगा, क्योंकि श्रावण के महीने में, पूरे सावन के महीने में पूजा करी जाती है देवों के देव महादेव शिव जी महाराज की, और इसका एक पौराणिक महत्व है दर्शक साथियों कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में जो तपस्या करी थी, व्रत रखे थे, और शादी का प्रस्ताव पार्वती माता ने भगवान शंकर के सामने, भोलेनाथ के सामने रखा था, लेकिन वो मान्य नहीं थे। अब सावन के महीना जब आया तो सावन की अमावस्या जो आती है, अमावस्या के तीसरे दिन जो तीज आती है, उस तीज के दिन भगवान भोलेनाथ ने उनको स्वीकृति दे दी कि हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये महत्व वही महत्व है, इसलिए सावन के महीने में हरियाली तीज मनाई जाती है। दर्शक साथी, ये तो उसका पौराणिक महत्व है, लेकिन इस महत्व के अंदर झूले झूलने की जो बात थी वो सारी की सारी चली गई है। खाली पेड़ और खाली रास्ते, जहाँ कहीं भी गांव में जाओगे, सब आज जो है ना, बच्चे हाथों में मोबाइल लिए मिलेंगे या टीवी के आगे बैठे मिलेंगे, घर वाले पंखे के नीचे बैठे मिलेंगे, झूला झूलने का, और इस दिन पकवान बनाने का विशेष दिन होता दर्शक साथियों, गुलगुले सवालियाँ या जो अन्य तेल के जो बने पदार्थ होते हैं, जो सरसों के तेल से, शुद्ध सरसों के तेल से बनाए जाते थे, जो स्वास्थ्यवर्धक थे, वो अब लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे साथ में भाई है प्रदीप बेरवाल। प्रदीप भाई, राम राम। राम राम भाई। प्रदीप भाई, जिस प्रकार से आप देख रहे हो ग्रामीण परिवेश में भी या शहरी परिवेश में भी झूले भी गायब हो गए और झूलने वालियां भी गायब होगी और पेड़ है ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे आज का जो ये लुप्त होता त्यौहार, जिस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है उसको लेके आपकी क्या विचार है? एक तो पवन भाई, ऐसा है जब हम छोटे छोटे हुआ करते स्कूल में, तो इस त्यौहार पर खासकर मैं सीधम सीधा अपनी हरियाणी भाषा बोली में बताऊँ तो भाई, ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला करता जिस पर झूले नहीं डलिया करते। मन तीन तीन झूले जहाँ पेड़ हुआ करता वहाँ झूले डलिया करते। और दूसरी बात, आप अपने कह रहे थे भाई इस त्यौहार पर सवाली गुलगुले, या मतलब पूरा कुणबा जो कह कर ना, अपना हरियाणा में कुणबा, वो कुणबा इकट्ठा होकर आपस में नोंदे नंधार दिया करते कि भाई आज सारे इकट्ठे होकर ना भाई तीज मनावांगे, झूले डाला करते, दादी काकी ताई गीत गाया करती, वो इसके सामने के वो सब गायब हो गए। आज कंक्रीट के जंगल, मोबाइल का चलन, और आज कहीं ना कहीं जो आदमियां मन आपस में दबेश भावनाएं देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये त्यौहार भी समाप्त होता जा रहा है। आज बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल में तो आने वाली पीढ़ी को, यो आजकल तो स्टेटस देखे हैं मोबाइल पर डाल दें तीज की शुभकामनाएं, लेकिन वो झूले नहीं दिखाई दे रहे।
मोबाइल में तो तीज दिखाई दे रही है लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर वो उन जो पेड़ पे वो लहराया करते वो झूले झूलया करती वो काकी वह दादी वो दामन पैर के वो गीत गाया करती वह गायब हो गए भाई। एक वो कहा करते ना कि निम्बा का निम्बोली लागी सामणिया सामणिया कद्या होगा, तो इस तरह का कोई गीत होया करता है। हरियाणवी गीत जो काकी ताई जो दादी जो आप बात कर रहे हो वो गुनगुनाया करते लगातार जब झूल झूलया करते। लेकिन प्रदीप भाई हाल फिलहाल की एक बात बताऊं, जैसे अब जो सावन का महीना इसके अंदर निम्बोलियां का एक निम्बा का निम्बोली लगी वो भी एक शब्द उसके बीच में होया करता, आज निम्बा का वो निम्बोली भी नहीं रही प्रदीप भाई। निम्बोली एक तो ये है कि अपनी वो जो चीज देसी जो नीम थे अपने वो ही नहीं रहे पहली बात, तो आज कुछ तो पेड़ काटे दिए और जो भी पेड़ लाए हैं थोड़े बहुत हैं वो सारे विदेशी आ गए, तो नीम की निम्बोली कितना होंगी। यह त्यौहार तो ऐसा था इस समय सावन के महीने में तो उत्साह उमंग हर चीज़ की हरियाली छाई रहा करती चारों तरफ से, आदमी के अंदर उत्साह सब कुछ देखने को मिला करता और बड़ा खुशी का वो था ये महीना, तो सावन के महीने में तो बड़ी खुशी होया करती और तीज ने तो बड़ा उस तक गर्व तो मनाया करते। तो आप वाली बात बिल्कुल सही है भाई साहब, वो निम्बा की निम्बोली नहीं रही अब और ना वह झोल रही ना वह झूल रही कुछ ही नहीं रहा। नहीं जैसे इंतजार किया करते वह सावन का महीना आ गया, सावन का महीना आ गया और अब मामा कोथली ले गया होगा, कोथली में जैसे ईब नए सौदे शामिल हो गए वह कितने मट्ठी ले जाए हैं कितने बिस्कुट ले जाए हैं कुछ ले जाए, पहले जो सवाली जा कर दी उसका साइंटिफिक कारण बाजारू जो चीज है ना आजकल क्या है सिर्फ एक औपचारिकता निभाने के रिश्ते रह गए भाई, आपने चलो दे के आनी है ठीक है लेकिन जो घर जो चीज़ बनाया करते ना अपने देसी क्या करते जिस प्यार भाव से बनाया करते जो सवाली बनाया करती गुलगुले बनाया करते वो उसमें एक था कि भाई मेरा अपने उसमें जाएंगे रिश्तेदारी में या मेरी बुआ का जाएंगे कि मामा लेके आओगा कुछ भी चीज़ थी वो चीज़ देखने कितनी मिला करती घर वो चीज़ बनाया करती और उनका अलग स्वाद होया करता और वो देखा भी होगा आपने खाई भी होंगी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल खाए प्रदीप भाई, मैं थोड़ा ही थोड़ा जाए एक साधन नाव है प्रदीप भाई, जैसे अब पेड़ों की बात करें तो लगातार जो है ना पर्यावरण के अंदर जो इस तरह की जो समस्या पैदा हो रही है, पेड़ नहीं लगाए जा रहे, पेड़ होंगे तो इंसान होगा क्योंकि शुद्ध हवा अगर नहीं होगी तो इंसान भी जीवित नहीं रहोगा। अब इंतजार करते हैं बारिश का, शायद पेड़ का ना होना अकाल को ल्याणा साबित कर रहा है मेरे। अकाल के साबित नहीं, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, पेड़ हमारा जीवन का आधार है। ऑक्सीजन को अगर मैं कहूँगा अमेजन का जो तो जंगल है ना उसको धरती का लंग्स कह जाते हैं, फेफड़े कह जाओ 20% तो ऑक्सीजन वहाँ से हमें मिलती है इस धरती को। अगर हमने पेड़ काट दिए सारे, अब कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए यानी कि बिल्डिंग घर बना लिए बड़े बड़े भाई, इनको तो हमने बड़ा वो कर दिया, लेकिन जो आपने खेतों में देखा करते पहला तो एक गांव तो दूसरा गांव नहीं दिखा करता इतने पेड़ होया करते। आज पवन भाई अगर आप बड़म भाई खड़े हो अगर खड़खड़ा भी मैंने आपके घर दिख जा ऐसा काम हो रहा है ना हो रहा है तो बता दे सीधा सीधा। बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई। एक भाई और है भाई, राम राम भाई, क्या नाम भाई? संदीप। संदीप भाई कौन सा गांव? भराण भाई। भराण गांव है संदीप भाई। संदीप भाई गांव में फिलहाल में जैसे आज तीज का त्यौहार है कितनी झूल गल रही है? शायद मेरे हिसाब से तो लुप्त हो गया सिस्टम। लुप्त हो रहा भाई साहब, को पेड़े को नहीं झूल कितने गलेंगे, घर ला लें कड़े बड़क बुड़क झूल लिए हैं और तो सब किला खत्म होता जा रहा है। तो किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? जैसे अब पेड़ का ना होना भी तो इंसान जिम्मेवार है शायद। हाँ बिल्कुल हाँ, लगातार जैसे वातावरण दूषित हो रहा है, पेड़ नहीं लग रहे, अब लोगों का शायद चाव भी खत्म हो गया, घर के अंदर जो पकवान बनाया कर दे सुवाली आया कर दे भाई भाई गुलगुले बनाया कर दे, आपके घर में अब बने भाई इस तरह की चीज ना बनी बनी के कारण रहा भाई इस तरह की बातें होती हैं? बनाऊंगे शाम में बनाऊंगे कि मैं बनाऊंगे तो भाई मतलब बोलते चले गए भूल गए बच्चा ने बतानी चाहिए हमने तो इंतजार रहा हर दा जैसे मामा होगा भाई कोथली ले होगा कुछ। हाँ बिल्कुल था ये चल लिया करते भाई गुलगुले तार लिए सुवाली तार दी एक तो यो घेर वाला सिस्टम ऐसा चल रहा है बस गोज में पीछे हैं लिया पहुँचा देने फिर मुझे तो भाई। तो दर्शक साथियों मैं तो ये कहूँगा कि त्योहार तो लगातार आते जाते रहेंगे, सचेत हो जाइए सावधान हो जाइए और एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए ताकि वो याद रहे आपके आने वाली पीढ़ियों को कि फलां आदमी ने अपनी माँ के नाम पे ये पेड़ लगाया था, नहीं तो ये जीवन जल्दी ही आपकी आपका जीवन तो है ही आपके बच्चों का जीवन जो है ना खतरे में आने वाला है जिनके लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं कमाई कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, तो अपने जीवन को सुधारने के लिए लगातार एक पेड़ जरूर लगाएं। और जैसे हमारे पौराणिक त्यौहार जो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने बच्चों को उन त्यौहार के बारे में बताएं और जो पुराने पकवान जो घर पे बनते थे उनको लगातार
बनाने के लिए या खाने के लिए प्रेरित करते रहिए, घर में बना के उनको खिलाने का काम करते रहिए और पुरानी यादों को जिंदा रखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।